हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सुजाता मैजिकल मोमेंट पे। तो आज हम नवरात्रि के लिए के स्पेशल डिश फ्रेश कोकोनट लड्डू बनाने जा रहे हैं। फ्रेश नारियल लड्डू है, तो चलिए देखते हैं किसे बनाते कैसे, और इसमें बहुत ही कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रेश नारियल लिया, इसका छिलका हटा लिया, थोड़ा बहुत अगर छिलका रह भी जाए तो कोई बात है नहीं। तो इसे अब हम मिक्सी ग्राइंडर में इसका एक पेस्ट बना, पेस्ट नहीं हल्का सा दही दरा, ये आप देख सकते होंगे, इसे ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद अब मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए, और इसे इसी तरह इसका हमें बनाना है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ये नारियल का डाला है, ग्रेटेड नारियल, और इसमें मैंने घी जरा भी नहीं डाला। तो ये देखिए, इसी तरह 1 से 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है, मतलब इस गैस का फ्लेम बिल्कुल लो, नहीं तो नारियल का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेम का हाई नहीं करें, ना मीडियम करें, नहीं तो कलर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमें 1 चम्मच घी डालना है, तो यहीं पे हमें 1 चम्मच घी डालना है, ये देखिए। उसके बाद इसे हम अच्छे से 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे, फ्लेम का ध्यान रख के। और उसके बाद अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने आधी कटोरी से थोड़ा कम दूध लिया है, और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे। जितना दूध आप लेंगे, चीनी उतना ही लेंगे, तो ये रेशियो परफेक्ट है नारियल लड्डू के लिए। फ्रेश नारियल थोड़े मीठे होते हैं ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चीनी कम यूज होता है। फिर अब हम इसे ढक लेंगे, देंगे दूध और चीनी अच्छे से मिक्स करने पर इसे ढक दें 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने मिल्क पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डालें, इससे लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो मिल्क पाउडर यहाँ पे आप ज़रूर डालें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है बड़ी ही आसानी से। तो ये देखिए, अब लगभग ये तैयार है। अब यहाँ पे चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने स्किप किया है, मुझे तो ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हैं ये लल्लू, तो इसे ऐसे ही मिला लें। अब देखिए, अब गैस का फ्लेम 1-2 मिनट के बाद हम ऑफ करेंगे, फिर मैंने ढक दिया है अभी। अब देखिए, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दे। ढकने के बाद 2 से 5 मिनट छोड़ने के बाद इसे लड्डू का शेप दे। तो ये देखिए, अब मैंने इसे लड्डू का शेप दिया, और इस तरह हाथों पर घुमा ले, और फिर ये ग्रेटेड नारियल बुरादा है, डेसिकेटेड कोकोनट है, इसे इस तरह से ऐसे कोटिंग कर दे, तो ये दिखने में बड़े ही स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत ही सुंदर दिखने में लगेंगे। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप सारे लड्डू बना लें, तो छोटे बड़े जिस भी आकार के आपकी इच्छा हो बिल्कुल बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है डेसिकेटेड कोकोनट में ग्रेट करना, डीप करना, पर फिर भी आप करें तो ये थोड़े ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फाइनली हमारा लड्डू तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं, तो आप भी इसी तरह से बनाएं, बड़े ही कम सामग्री में बड़ी ही जल्दी बन जाते हैं। नवरात्रि डिश है, नवरात्रि में भी आप खा सकते हैं। नवरात्रि के लिए बनाए तो मिल्क पाउडर स्किप कर दें। तो अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल व्यूअर्स।